आए दिन शहर में मनपा की बसें दम तोड़ती नजर आ रही है। ऐसे ही एक घटना मानीवाड़ा के तुकाराम सभागृह के पास हुई है, जहां बस का एक पहिया निकल जाने से बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। मनपा के बसों का मुद्दा कई दिनों से अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा में चल रहा है। ऐसी ही एक घटना मनपा बस को लेकर हुई है। मानीवाड़ा के तुकाराम सभागृह के पास मनपा के एक बस का पहिया बीच सड़क में निकल गया। उस समय बस में यात्री सफर कर रहे थे। इस घटना से कोई जनहानि भले ही नहीं हुई हो, लेकिन मनपा की खराब बसों का असली चेहरा सामने आया हुआ है। इस घटना के बारे में शिवसेना नेता प्रवीण शर्मा ने जानकारी दी। नागपुर महानगर पालिका की जो स्टार बसेस आज महानगर पालिका चला रही है, लेकिन जहां पर जो बसेस है अधिकतर टोटल भंगार है। कुछ नई बसेस आई है, फिर भी उसका मेंटेनेंस नहीं है, और जो मेंटेनेंस अधिकारी है वो जानबूझकर मेंटेनेंस करते नहीं है, जिसका जीता जागता रूप सहयोग नगर के अंदर में देखने को मिला। मैं खुद किसी फैमिली के मैटर को लेकर के जा रहा था आपसे समझौता करने, मैं खुद सिग्नल पे खड़ा था सहयोग नगर तुकाराम सभागृह के पास में, तो वहाँ पे खड़ा रख करके मैं देखा कि सिग्नल से स्टार बस जा रही है, जिसके अंदर में करीब से करीब 27 से 28 महिला लेडीज बच्चे लोग उसके अंदर में बैठे थे, और वो विदाउट चक्के की गाड़ी चल रही है, चक्का पीछे में चलते चलते चले गया, किसी की अपघात हो सकती थी। उसके बाद में उसके अंदर की राउंडिंग प्लेट गिरी, और उसके बाद में वो बोनट जो है उसका बोनट जो है उस दूसरे वाले चक्के के अंदर में अटक करके वो बस पलटी होते होते बच गई। तो जिसका जीता जागता रूप खुद मैंने देखा और वीडियो शूटिंग किया वहीं पर, और रखने के बाद में मैंने तुरंत उनको पूछा बस जो ड्राइवर थे कि भाई ये बस कहाँ की है। उन्होंने बताया कि हिंगना डिपो की है, हिंगना डिपो की बस है, ये रात को जमा करनी पड़ती है, और उसके बाद में वो डिपो के अंदर में जमा करने के बाद में वेरीफाई होती है। वेरीफाई करने के बाद में ड्राइवर और कंडक्टर, लेडीज कंडक्टर थी, ड्राइवर कंडक्टर उस गाड़ी को निकालते हैं, और निकालने के बाद में ड्राइवर की भी उतनी ही जवाबदारी है जितनी की मैनेजमेंट की होती है डिपो के अंदर में। तो उन्होंने न चेक करते हुए बस को निकाला गया। निकालने के बाद में वो मनीष नगर बेलतुरड़ी जो स्टॉप है पुलिस स्टेशन के आगे में लास्ट स्टॉप है बर्डी टू बेलतुरड़ी मनीष नगर की वो बसेस है, और हिंगना डिपो से निकली, और उसके अंदर में 35 सवारी थे। अगर कल अगर वो दुर्घटना अगर बस पलट जाती थी, और जिसके अंदर में अपघात आने के बाद में ही हर डिपार्टमेंट को जाग आती है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा बीच में बजरिया के अंदर में भी स्कूल बस जो थी बच्चे का विषय था मिश्रा करके जो नामक व्यक्ति है बालक था जिसकी मृत्यु हुई बस चालक क्योंकि कंडक्टर नहीं। तो यह सब एक्सीडेंट होने के बाद में ही प्रशासन की हमेशा जाग आती है। तो नागपुर महानगर पालिका में इतने बड़े आयुक्त आए हुए हैं जिनका कि उन्होंने इंटरव्यू मैंने देखा पेपर के अंदर में कि 12 साल में 12 तबादले हो गए, उनके ट्रांसफर हुए, लेकिन ये नागपुर महानगर पालिका की जो बसेस है वो कब सुधरेंगी कि जब बलि होती है जनता जिसके बाद में वो मृत्यु हो जाती है उसके बाद में ये प्रशासन को जाग आएंगी क्या? यही मेरा प्रश्न है माननीय आयुक्त साहब के पास में, और जो बस डेपो जो है मैनेजमेंट इन्होंने खास करके बसेस को देखना चाहिए, यही है अपना विषय। मनपा की बसें यदि अच्छी रही तो मनपा की बसें मनपा की तिजोरी भर सकती है, वरना तिजोरी खाली की खाली रहेगी। नागपुर महानगर पालिका की परिवहन की जो बसें हैं वो किस तरह से है, ये इसका खासा एक उदाहरण देखने के मिला कि जिस प्रकार से ये जो पहिया निकला था, अगर पहिया अगर निकलने के बाद बस को जैसे तैसे कंट्रोल किया गया, अगर बस कंट्रोल नहीं होती तो इस पर सफर कर रहे जो यात्री है आज उनकी दर्दनाक मौत भी हो सकती थी। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन, अब ये सवाल शहर की जनता पूछ रही है। क्या मनपा प्रशासन इस ओर ध्यान देगा और शहर की जनता की रक्षा करेगा, इसके ऊपर भी अभी भी प्रश्न चिन्ह सा लगा हुआ है। देखना यह होगा कि मनपा आयुक्त इसके लिए क्या करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, INBCN न्यूज़ नागपुर।